जय हिंद दोस्तों। हमारी अर्थ काफी अद्भुत और विचित्र चीजों से भरी पड़ी है। ऐसी चीजें जिनको देखकर हम सोच में पड़ जाते हैं कि इन घटनाओं के पीछे का कारण क्या है। तो आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को ऐसे ही पांच नेचुरल फिनोमिनास के बारे में बताऊंगा और उनके पीछे का कारण बताऊंगा। आमतौर पर जब तूफान आते हैं तो हमें लाइटनिंग तो दिखाई देती है, जिसमें से कुछ जमीन को भी छूती हैं। हालांकि सभी तूफान सेम नहीं होते, पर वेनेजुएला में एक जगह है जिसको लाइटनिंग कैपिटल ऑफ वर्ल्ड के नाम से जाना जाता है, और यहाँ पर साल के 140 से 160 डेज के बीच बिजली गिरती है, और हर तूफान ऑन एवरेज 9 घंटे तक रहता है, और हर मिनट 16 से 40 लाइटनिंग स्ट्राइक्स होती हैं। इसको कैटाटुम्बा लाइटनिंग कहते हैं, और ये तूफान कैटाटुम्बा नदी के ऊपर आते हैं, और अभी तक साइंटिस्टों को इसके पीछे का रीजन नहीं पता कि यहाँ पर इतनी इंटेंसिटी के लाइटनिंग स्ट्राइक्स होती क्यों हैं। पर इसके पीछे का एक रीजन यहाँ की ज्योग्राफी मानी जाती है कि यहाँ पर तूफान पहाड़ों से बार बार टकरा कर इतनी लाइटनिंग करते हैं। रात को समुन्द्र पे जो लाइट्स दिखती हैं वो स्टार्स या मून की रिफ्लेक्शन की वजह से होती हैं। पर आप लोगों ने ऐसी वीडियोस देखी होंगी जिसमें समुन्द्र में छोटी छोटी ब्लू लाइट्स फ्लैश होती हुई नजर आती हैं। इस घटना को बायोलुमिनेसेंट कहते हैं। ये फिनोमिना टाइनी सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म की वजह से होता है, जिनकी स्पीशीज को डाइनोफ्लैजिलेट्स कहते हैं। इन स्पीशीज का साइज माइक्रोस्कोपिक होता है और ये एक बूंद में हजारों की तादाद में आ सकती हैं, पर इनमें से कुछ का साइज 2 mm डायमीटर का हो सकता है, जैसे कि नॉक्टिलस स्किंटिलस, जिसको सी स्पार्कल के नाम से भी जाना जाता है। कुछ डाइनोफ्लैजिलेट्स फोटोसिंथेसिस के द्वारा अपना खाना बनाते हैं और कुछ दूसरे ऑर्गेनिज्म को कंज्यूम करके एनर्जी ऑब्टेन करते हैं। जब डाइनोफ्लैजिलेट्स किसी चीज को मूव करते हुए सेंस करते हैं तो अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए वो ये लाइट्स फ्लैश करते हैं कि जो ऑर्गेनिज्म उनका शिकार करने आया है वो इनकी इन ब्लू लाइट से डर जाए। ये ऑर्गेनिज्म ये ब्लू लाइट इनके अंदर की होने वाली केमिकल रिएक्शन की वजह से एमिट करते हैं। ओले गिरते हुए तो हम सब ने देखे होंगे और उस पल को काफी इंजॉय भी करा होगा, लेकिन 8 फेब 2018 को कोर्डोबा अर्जेंटीना में कुछ ऐसा हुआ जिसको देखकर सब हैरान रह गए। लगभग 4:30 बजे बारिश के साथ ओले गिरना शुरू हुए। पहले तो ओले छोटे और मजेदार लग रहे थे, फिर कुछ समय बाद ओलों ने अपना रूप ही बदल दिया। तेज हवा के साथ टेनिस बॉल की साइज के ओले गिरना शुरू हुए। ऐसा पहले दुनिया में कभी भी नहीं हुआ था, और इन ओलों की वजह से आसपास की चीजों पर काफी नुकसान हुआ। काफी गाड़ियों के शीशे भी टूट गए, और सोचिए ऐसे ओले में अगर किसी शख्स को छत ना मिले तो उसका क्या हाल होगा। ऐसे मौसम में बदलाव पहली बार नहीं देखा गया है। ऐसे ही घटना सऊदी अरेबिया के मदीना में 24 फरवरी 2018 को देखी गई थी। यहाँ पर तो ऐसे मौसम के बारे में कोई सोच भी नहीं सकता, पर यहाँ पर भी तेज हवा के साथ क्रिकेट बॉल के साइज के ओले गिरना शुरू हुए, जिनकी वजह से काफी नुकसान पहुंचा। इसी प्रकार जुलाई 2019 में मैक्सिको में तूफान आया, जिसकी वजह से लगभग 5 फीट तक ओले गिरे, जिससे कार और सड़कें नीचे दब गईं। कुछ जगहों पे तो ये ओले इतने ज्यादा गिरे कि घरों के अंदर तक ओले घुस गए। अरोरा अर्थ का सबसे फेमस एटमॉस्फेरिक फिनोमिना है। ये फिनोमिना ज्यादातर नॉर्थ पोल के पास वाले रीजन्स में नजर आता है। पिछले हजारों सालों में इन लाइट्स के ऊपर काफी मिथ्स बनी है, जैसे कि वाइकिंग्स ने सोचा था ये अरोरा एस्गार्ड तक पहुंचने का रास्ता है, जहां पर थॉर और बाकी के गॉड्स रहते हैं। पर ये सब मिथ्स जरासर गलत हैं। इसके पीछे का असली रीजन ये है कि अर्थ का कोर मॉल्टन आयरन के रूप में प्रेजेंट है, जो कि हर टाइम रोटेट कर रहा है। इसी रोटेशन की वजह से अर्थ अपने अराउंड एक मैग्नेटिक फील्ड बनाती है। ये मैग्नेटिक फील्ड हमें सन से आने वाली सोलर विंड से बचाती है, पर कुछ सोलर विंड्स नॉर्थ और साउथ पोल वाले रीजन्स की तरफ से घुस जाती हैं, क्योंकि यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड्स वीक होती हैं। ये सोलर विंड्स अपनी एनर्जी इलेक्ट्रॉन्स की फॉर्म में एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट ऑक्सीजन और नाइट्रोजन को देते हैं। इस एनर्जी को बैलेंस करने के लिए ऑक्सीजन और नाइट्रोजन ये एनर्जी लाइट्स के फॉर्म में एमिट करते हैं, जिसकी वजह से ये सुंदर लाइट्स हवा में नजर आती हैं, जिनको अरोरा बोरियालिस नाम से जाना जाता है। येमेन देश के अल मरा में मौजूद इस गड्ढे को दुनिया के सबसे रहस्यमय गड्ढों में से एक माना जाता है।
रेगिस्तान के बीचों बीच मौजूद इस गड्ढे को नरक का कुआं माना जाता है। कई लोग बताते हैं कि इसमें जिन कैद हैं और कई लोग कहते हैं कि ये बैड लक का प्रतीक है। ऐसे में लोग इस कुएं के पास जाने से भी डरते हैं। पर सितंबर 2021 में ओमानी केव्स एक्सप्लोरेशन टीम ने कुएं में जाकर सच्चाई पता लगाने का फैसला किया। ये इतिहास में पहली बार था कि कोई इस कुएं में उतर रहा था। कुएं में उतरने के बाद जब इसके अंदर की वीडियो बाहर आई, उसको देखकर पूरी दुनिया हैरान रह गई। ये 100 फुट चौड़ा और 367 फुट गहरा एक नेचुरल फिनोमिना से बना सिंक होल है। रेगिस्तान में मौजूद इस सिंक होल के अंदर झरने भी नजर आए। तल पर एक तालाब, कुछ डेड बॉडीज और कई तरह के जीव नजर आए। कुएं के अंदर वेंटिलेशन नहीं था और अंदर की हवा सांस लेने लायक नहीं थी। लेकिन इसके अलावा कुएं के अंदर कोई भूत प्रेत तो नजर नहीं आए। केवल 0.2% लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब किया है, इसलिए शर्माए नहीं और चैनल को सब्सक्राइब करें।